अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक यू ऑल टू माई एन अदर व्लॉग आफ्टर द ब्रेक ऑफ टू डेज़। ठीक है, टू डेज़ जो है वो हम लोगों ने सैटरडे संडे व्लॉग नहीं बनाया, सो फाइनली मंडे को आज हम व्लॉग बना रहे हैं। सो हमने ये डिसाइड किया है कि हम जो है वो वीक में 5 डेज़ व्लॉग बनाया करेंगे। ठीक है, सो अभी जो है वो मुझे रास्ते में जाते हुए कुछ छोटे मोटे काम भी करने हैं, सो मतलब बिल्स जमा कराना है और पुरानी बुक्स घर में पड़ी हुई है वो भी जो है वो किसी ओल्ड बुक वाली शॉप पे देनी है। ठीक है, सो ये सारे कामकाज भी करते हैं और जल्दी से निकलते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। सो मिलते हैं अब यूनिवर्सिटी में। अभी जो है वो मैं यूनिवर्सिटी पहुँच चुकी हूँ। ठीक है, और बहुत देर से पहुँची हूँ क्योंकि मैंने रास्ते में बड़े काम करने थे, सो इस वजह से मैं लेट हो गई। बिल भी सबमिट करा लिया मैंने और बुक्स भी दे दी वापस। सो वो अभी जो है वो मैं मुंडा को ढूंढ रही हूँ, वो मुझे नहीं मिल रही है और अब उसको ढूंढते हैं, फिर उसके बाद आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज, अभी जो है वो मैं अकेले एक क्लास में बैठी हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी जो है वो सर्कलिन की क्लास हो रही है और वो आधी क्लास ले चुके हैं। ठीक है, सो आधी क्लास के बीच में अगर मैं जाऊँगी तो मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए वो सामने वाले रूम में क्लास ले रहे हैं और मैं इधर बैठी हुई हूँ, तो निमरा लोग आएंगे क्लास लेके तो फिर हम उनसे मिलेंगे। अभी हम आधी क्लास में जाकर रिस्क नहीं ले सकते, वो पूरी क्लास के सामने हमारी बहुत ज़्यादा इज्जत अफजाई कर लेंगे, इसलिए सो फिर निमरा लोग आए तो हम बाकी की क्लासेस साथ ले लेंगे। हमें सारे मार्क्स दिखाने लगे हैं, तो सारे बच्चे यहाँ पे मार्क्स लेने के लिए आए हुए। ये देखें, इस तरफ पूरी टोला आ रहा है, कुछ बच्चे ऐसे खड़े। सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, तो सर जो है वो हमें सर हमें बहुत अच्छे रूम में लेके हमें बिरयानी खिलाने लगे हैं। मुझे ज़िंदगी में इतनी खुशी नहीं हुई जितनी मुझे आज हुई है। मतलब वन ईयर रैंकिंग में मेरे 26 मार्क्स, मतलब डी ग्रेड में भी आप खुश हैं? डी ग्रेड से खुशी है कि ये पास हो गए, इसे उम्मीद थी कि ये फेल हो जाएगा। हमें मतलब इतनी खुशी मुझे अपनी शादी की भी नहीं थी। ओ वाओ यार, और ना होगी जितनी आज मुझे और हमारा दिल ऐसे ऐसे कर रहा था कि फेल है, अल्हम्दुलिल्लाह सी ग्रेड आ गया। ऐसा लग रहा था यस, मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरी क्लास में एक दो नाम अनाउंस होने वाले, दानियाल इजाज और गुलशेर फेल। लेकिन सर ने प्रॉमिस किया था किसी को फेल नहीं करें। बस सर का बहुत बहुत मेहरबानी, अल्लाह करे सर के बच्चे जिएं और जो अगला सेमेस्टर पढ़ा रहे हैं हमें ए ग्रेड दे दे। बस थैंक यू सो मच। कितने तुम्हारे? इतना ही कहना चाहूंगा और चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो एंड तक लास्ट में देखिएगा। थैंक यू थैंक यू। गाइस, पापा की परियां बहुत ज्यादा खुश हैं। ठीक है, उन्होंने कोई खुश नहीं है वो जी। आप पास हो गए फिर भी ना खुश हैं? सो गाइज, मैं इस यूनिवर्सिटी में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने आई थी, जो मेरी हो चुकी है, जो थोड़ी बहुत रह गई है वो बस उसके वेट में हूँ कि बस वो जल्दी जल्दी बर्बाद हो जाए, फिर मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊँ। निम्रा को बहुत ज़्यादा दुख लगा हुआ है, बहुत नाशुक्री हैं अच्छे मार्क्स लेने के बाद भी इस तरह की नाशुक्री करती है वजह से ना मेरा। गाइज, हम दोनों एस्थेटिक का तो पता नहीं, मगर पथेटिक जरूर लग रही हैं। ठीक है, तो हम दोनों जो है वो बहुत दुख है भाई। ठीक है, आज भी हमसे हम पे ना क्लास वाले हंस रहे थे कि ये दोनों खाने के लिए रोज मेहनत जाती है, इनकी हिम्मत चेक। हाँ तो भाई, भूख लगती है तो जाते हैं ना, यहाँ पे हमारे कैंपस में है क्या? और हमें अपने कैंपस में ना शर्म आती है खाते हुए, मसला ये वाला भी है। सो अभी तो धूप बहुत सख्त आ रही है, तो पता नहीं हम क्या लग रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रही हैं, पता भी नहीं चल रहा था हमला क्या। वो जो हमने उस दिन रोल पराठा खाया था वही दोबारा खाने के लिए जा रहे हैं हम। भूख लगी है बहुत ज़्यादा। यस, आइए अब हम थोड़े इंसान आए। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं और रोल पराठा खाते हैं, इसे आंखें नहीं खुल रही हमारी। गाइस, आई निमरा ने मुझे डे में स्टार्स समझते हैं, यानी कि दिन में तारे दिखा दिए मैंने। ठीक है, इसने मुझे दिखाई, पता नहीं किस बात का बदला, अगर इसने लेने थे तो मुझे ऐसे ही कह देती यार आपको, मतलब इस तरह मैंने जरूरत नहीं थी। बहुत स्पाइसी इसने मुझे खिलाया, वो क्या था रोल पराठा, बहुत शदीद स्पाइसी था। तो सारे बदले इसने 2 साल के पूरे कर दिए, आज हम सी कर रहे हैं। गाइस, थोड़ी देर मूड ठीक हो जाए तो फिर हम आगे ब्लॉग बनाएंगे। गाइस, मेरी दोस्त निम्मी ने, ठीक है, मुझे चॉकलेट लेकर दिए, चाहती है मैं मोटी हो जाऊँ खा खा के। ये रोल पराठे खिलाती है मुझे। ठीक है, घर से मैं डाइटिंग का प्लान बनाऊँ तो ये यूनिवर्सिटी में आगे मेरा प्लान ख़राब कर देती है। इसने आज फिर मुझे ये रोल पराठा खिलाया, ठीक है, इतना फैटी था वो और ऊपर से चॉकलेट। गाइज, ये जो चीज़ें दरख्त के साथ लगी हुई हैं हमें नहीं पता कि ये क्या है, और निमरा का क्वेश्चन है कि अगर किसी को इसका नाम पता है तो हमें बता दे। और एरिड वालों, ये वो जो सब्ज़ी होती है वो है,
और एडिट वालों, ये एग्री डिपार्टमेंट के बाहर लगा हुआ है दरख्त, ठीक है? अगर आपको पता चल जाए तो आप निम्रा को इसका जवाब दे दीजिएगा, ओके? मुंह के आगे क्यों आ जाती है तू? गाइस एरिड में इनोवेशन हुई है, ठीक है? यहाँ पे कुछ इनको क्या बोलेंगे निम्रा? मुझे नहीं पता, ये चेंज है ना? इनको जो भी बोलेंगे, ठीक है? ये कोई चेंज जो भूल गए, जो इनको जो भी कहते हैं वो आपको पता होगा, लेकिन एरिड में एक नई चीज़ आई है, ठीक है? सो अब मैं और मेरे दोस्त आ रही हैं। हमारा काम था आपको इतना देना। बिल्कुल, हमें हमारा काम था आपको आगाह करना कि एरिड में खर्चा हुआ है। वो तो पढ़ते ही नहीं ना एरिड, उनको पता ही नहीं। नहीं, वो इतना गौर नहीं करते होंगे ना डीपली जैसे हम करते हैं चीज़ों पर। सही बात है, हमारा और काम ही नहीं। तो अभी हम लोग जा रही हैं अपने कैंपस, ठीक है, क्लास लेने के लिए। बहुत घूम लिया, खा पी भी लिया, तो अभी पढ़ाई करते हैं और फिर उसके बाद घर जाते हैं। मैं और मेरी दोस्त बैठ के यहाँ पे कपल्स देख रही हैं, ठीक है? निम्रा ने बहुत सारे कपल्स के बारे में गाना भी बना लिया उसने। निम्रा बताइए बताइए, जब थोड़ी पहले बता रही थी क्या? मैं कुछ भी गाना ही बोल रही ब्रो आज। नहीं, आप गा रही थी कपल से कपल मिले ये गाने गा रही थी और बस मेरा और मेरे दोस्त का ये नजर मिले सॉन्ग था, मैं उसको कपल से कपल मिला दिया। तो हम दोनों का असल में कहना ये है कि यहाँ पे कुछ देखिए, ये अश्लील हरकत है, ये नहीं करनी चाहिए। मसला ये है कि कपल जो है ना वो सही बने नहीं हुए, ठीक है? लड़का ज्यादा प्यारा है किसी कपल में, किसी में लड़की ज्यादा प्यार रही है। Beauty doesn't matter, bro. मतलब किसी में आप समझ नहीं रहे मैं क्या कहना चाह रही हूं। निम्रा के लिए गाइस, निम्रा के लिए ब्यूटी मैटर नहीं करती तो वो किसी से भी शादी कर ले। किसी से शादी नहीं करनी भाई, शादी में क्या रखा है? ये झूठ बोल रही है। आप दो साल बाद निम्रा की शादी में आइएगा इन्विटेशन में आप। क्या क्या? तो हम लोगों ने सोचा कि अगर आज हम फैकल्टी के वॉशरूम ना आए तो हमारा व्लॉग कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है? कुछ लोगों ने हमें ताने भी मारे कि किसी व्लॉग में फैकल्टी का वॉशरूम छोड़ दिया करें, लेकिन कोई हमें किसी चीज़ से मना करेगा तो हम रच के वो और ज़्यादा करेंगे। तो हम दोबारा से आए हुए हैं और बाजी दुपट्टा सेट कर रही है, ठीक है? ठीक है, और हम तो अभी जो है वो हम लोग जाते हैं क्लास में, ठीक है? अभी जो हमारी क्लास है 6 से लेकर 7 तक, और आपकी आवाज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, ठीक है? सो ये मर के ना डालो गाने यार, गुज्जर गुड गुड गुज्जर गुज्जर इंग्लिश इंग्लिश बोल इंग्लिश बोल गाना गुज्जर गुज्जर खाई पता गुज्जर खाई छोड़ इंग्लिश बोल गुज्जर अरे अब निम्रा के बारे में बात करो यहाँ पे। निम्रा ने ये जो हरकत की है इसके बारे में निम्रा डैश 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 बहुत बहुत कमीनी हरकत की है मेरी दोस्त ने। कुत्तों वाली हरकत की है मेरी दोस्त ने। सर क्लास नहीं ले रहे थे और उसको बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक था, सर को पकड़ के ले आई और हमें बहुत गुस्सा आया। अब देखें, अब जो निम्रा के साथ होगा वो फिर आपको पता चलेगा। हमारी क्लास अरेंज करवा ली है, आप सबका जो गुस्सा मिलेगी बिल्कुल बराबर मिलेगी। तेरे छलांगे मरा मरा के मारूंगा तुझे, छतों से फेंकूंगा। दौर कम हो सो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं घर, ठीक है? और अभी हम लोगों ने रेस लगाई हुई है, सही टेस्ट में भाग रहे हैं यार। बस रोज हमारी पाकिस्तान सच्चे जज्बों की ताबीर हाँ। तो फिर हम क्या कह रहे थे, हाँ तो फिर हम लोग जो है व्लॉग को एंड करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और कल हम कहीं घूमने फिरने जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटोरस ही जाएंगी। तो फिर हम जो है यहीं पर व्लॉग को एंड करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा, और दुआ करें कि हमें जो है जगह मिल जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।